बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है और इसी बीच अब हर एक पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक दूसरे पर पलटवार करने में लगे हैं। और इस बीच अब पटना पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जनसभा में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने को लेकर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की पार्टी जो है वो बौखला गई है, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और फ्रस्ट्रेट होने की वजह से ऐसा काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी जो कि सांसद हैं, वो पटना के बेहटा स्थित एक स्कूल के मैदान में सोमवार को एनडीए प्रत्याशी अतुल कुमार के प्रचार में पहुंचे थे और इस दौरान जब मनोज तिवारी ने मीडिया से मुखातिब हुए तब उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकार बौखला गई है, विपक्ष की सरकार फ्रस्ट्रेट हो गई है और फ्रस्ट्रेट होकर ही ऐसे काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बीजेपी के साथ है और इस बार भी जीत तय है। बहुत ही अच्छा माहौल है। कल हमने कैमूर जिले में और इधर रोहतास जिले में हमने समय लगाया। जनता पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है और वो बिहार को यहाँ से आगे लेके जाना चाहती। सर आज चिराग पासवान ने भी काफी हमला बोला है और लगातार वो आप बता रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। नहीं, बीजेपी के साथ पूरा बिहार है, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम क्यों, उन्होंने अपने को खुद ही अलग किया हुआ है। हमारे तो एनडीए में थे वो, लेकिन उन्होंने इस बार चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने का निश्चय किया। अभी वो हमारे एनडीए में नहीं है। बाकी एनडीए को पूरा बिहार बिना एक भी वोट इधर उधर किए पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को आगे बिहार बढ़ाने के लिए अपना मैंडेट। रैलियों में हंगामा हो रहा है, नीतीश कुमार की रैली में हंगामा किया गया, कुर्सियां तोड़ी, तीन लोग गिरफ्तार भी हुए। तो ये फ्रस्ट्रेशन है ना, हंगामा तो वही करता है ना जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और इस समय जो महागठबंधन है उसकी सारी सच्चाइयां पर्दाफाश हो रही हैं, तो वो अब हिंसा पे उतारू हो रहा है।